4 महीनों से देखा है कि अलग अलग वजहों से ट्रेनों का कैंसिल का जो सिलसिला है वो जारी है। ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें निरस्त हैं और ट्रेनों के रद्द होने से नाराज कांग्रेसियों ने बुधवार को रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रेल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने सभी कैंसिल ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की भी मांग की, जिसे लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज नायक ने। शहर से दूसरे तहस अभी हमारे साथ विकास उपाध्याय जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, आज आपने भी पत्र दिया है, क्या बोले रेलवे के अधिकारियों ने? देखिए, पिछले 2.5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में जो लोकल ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए चलती हैं, वो ट्रेनों को बंद कर दिया है। जबकि दूसरे प्रांतों में, चाहे मेट्रो सिटी की आप बात करें, सभी ट्रेन चल रही है। मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, चेन्नई, वेस्ट बंगाल की बात करें, सब जगह ट्रेनें चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला काम करने वाली ट्रेनें हैं, इस सबको बंद कर दिया गया है। इसमें एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेशन में, जिसका स्टॉपेज यूपीए की सरकार में हम लोगों ने कराया था। अब जब जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का सबसे आसान माध्यम ट्रेन था। अब हर पर व्यक्ति को जो पहले 100 रुपया में उसको एक शहर से दूसरे शहर जा सकता था, उसको 700 से 800 रुपया देना पड़ रहा है। वो एक भारी कर्ज उसके बोझ में, जेब में पड़ रहा है, जिसको लेकर हमने इस बात को कहा है कि आप ट्रेन चालू कीजिए। रायपुर राजधानी है, आर्थिक राजधानी भी है, लोग रोजगार के काम से, व्यापार के काम से, यहाँ एम्स है, यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मेकाहारा है, लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पर अपने परिवार के पेशेंट को लेकर आते हैं। और अभी इंटरव्यू के समय चल रहे हैं, अभी एडमिशन के समय चल रहे हैं, परीक्षाओं के समय चल रहे हैं, साथ ही साथ वैवाहिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो ट्रेन के आवागमन को रोक देने से ये बहुत बड़ी तकलीफ आम आदमी पर पड़ रही है, जिसको लेकर हम लोगों ने आज SRM को चिट्ठी दी है GM के नाम से, और हम DRM के पास भी जाएंगे और GM ऑफिस बिलासपुर भी जाएंगे अगर ट्रेन जल्द से जल्द चालू नहीं की गई तो। निश्चित रूप से जो है, जो आम यात्री हैं उन्हें जो है 4 महीनों से इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो ट्रांसपोर्टिंग के जो साधन हैं, खासकर जो रेलवे के ऊपर डिपेंड रहते थे, इसके कारण, इनके निरस्त होने के कारण जो है यात्री जो है अन्य साधनों का उपयोग कर रहे हैं। और आज जो चिट्ठी दी गई है, यदि इस पर रेलवे त्वरित निर्णय लेता है तो यात्रियों को भी राहत पहुँचेगी। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़, रायपुर।